नमस्कार दोस्तों, आज हम प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि प्लेट किसे कहते हैं। प्लेट स्थलीय दृढ़ भूखंड होते हैं जिन्हें प्लेट कहा जाता है। सामान्य रूप से प्लेटों के अंतर्गत स्थल भाग की लगभग 100 किलोमीटर की मोटाई को शामिल किया जाता है। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो इसमें क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग को शामिल करते हैं। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि धरातल की सतह से लेकर 100 किलोमीटर तक की गहराई वाला जो भाग है उसे प्लेट शब्द के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दूसरा शब्द है प्लेट विवर्तनिकी, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जाना जाता है और इसी के आधार पर सिद्धांत का नाम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी प्लेटों के स्वभाव और प्रवाह से संबंधित अध्ययन प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है। तो दोस्तों, प्लेट तो वो शब्द हो गया जो इसकी आकृति को प्रदर्शित करता है और प्लेट विवर्तनिकी वो शब्द हो गया जो इसकी गति, क्रियाशीलता, प्रवाह आदि तथ्यों से संबंधित है। तो यहाँ पर प्लेट और प्लेट विवर्तनिकी दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो गया है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। टूजो विल्सन नामक एक विद्वान थे जिनके द्वारा प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। प्लेट विवर्तनिकी संकल्पना को महाद्वीपीय प्रवाह से भी जोड़ करके देखा जाता है। दोस्तों, हमने इससे पहले वेगनर के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था जिसमें महाद्वीपों के प्रवाह की परिकल्पना की गई है या कल्पना की गई है। तो महाद्वीपों के प्रवाह की जो कल्पना है उसे प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर अधिक स्पष्टता से और अधिक प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है। जितना अच्छी तरह से प्लेट विवर्त महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत नहीं समझाता है, उतनी अच्छे तरीके से इस प्रक्रिया को जिससे कि हम महाद्वीपों का प्रवाह कहते हैं, जो वर्तमान समय में हम महाद्वीपों का स्वरूप देखते हैं, ये स्वरूप कैसे बना है, इन सभी तथ्यों को प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक हलचलें जैसे ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, वलित पर्वतों का निर्माण, सागरीय कटकों की उत्पत्ति जैसे अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मास्टर की भूमिका निभा रहा है। मास्टर की शब्द से तात्पर्य है यानी कि यह उन तालों की चाबी है जो हमें ये समझाते हैं, या उन समस्याओं की चाबी है जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया किस प्रकार होती है, भूकंप और वलित पर्वत कैसे बनते हैं, सागरीय कटकों की उत्पत्ति कैसे होती है और महाद्वीपों का जो वर्तमान स्वरूप हम वर्तमान समय में देखते हैं वो किस प्रकार से उभर कर सामने आया है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले टी विल्सन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। अब हम देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है ये सबसे पहले हेनरी हेस नामक महोदय के द्वारा 1960 में प्रस्तुत किया गया था। यानी प्लेट शब्द जो था वो सबसे पहले टूजो विल्सन नामक विद्वान के द्वारा प्रयोग में लिया गया। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो उसका उत्तर है टूजो विल्सन। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले हेनरी हेस नामक महोदय के द्वारा 1960 में किया गया था। और हेनरी हेस महोदय ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर महाद्वीप और महासागरों की जो वर्तमान स्थिति है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, टूजो विल्सन और हेनरी हेस के बाद इस क्षेत्र में तीसरा जो मुख्य नाम है वो है मॉर्गन महोदय का। मॉर्गन महोदय ने पृथ्वी के ग्लोब पर 6 प्रमुख और 20 लघु प्लेटें बताई है। 6 प्लेटें तो प्रमुख हैं और 20 प्लेटें लघु हैं। प्रमुख प्लेटें बड़ी हैं और जो लघु प्लेटें हैं वो छोटी हैं। जो प्रमुख प्लेटें हैं वो 6 प्लेटें हैं। इन 6 प्लेटों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो प्रमुख प्लेटें हैं उनमें जो कौन कौन सी 6 प्लेटें हैं वो निम्न प्रकार से हैं: यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट।
ये छह मुख्य प्लेटें हैं, इन्हें हम पृथ्वी के ग्लोब पर या विश्व के मानचित्र पर हम देखते हैं किस प्रकार से इनका वितरण कहाँ कहाँ पर है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है। दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य प्लेटें हैं वो छह बताई गई हैं, और जो अंतिम जो प्लेट यहाँ पर है वो हमारे सामने आती है अंटार्कटिक प्लेट। तो दोस्तों यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट, या जिसे प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं, ये छह प्रमुख प्लेटें हैं। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ गौण प्लेटें भी हैं, जिनमें मुख्य जो प्लेटें हैं वो हैं नस्का, कोको, फिलीपींस, कैरेबियन, जुआन डी फूका, कैरोलिन, विस्मार्क और स्कोरिया। ये कुछ गौण प्लेटें हैं। दोस्तों गौण प्लेटें मुख्य प्लेटों के साथ ही स्थित होती हैं, यानी कि उनके अंदर ही होती हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गौण जो प्लेटें हैं वो मुख्य प्लेटों के ही उपभाग माने जाते हैं, जो कि स्थानीय रूप से गतिशील होते हैं, इसलिए इन्हें गौण प्लेटों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी तक लगभग 20 लघु प्लेटों का पता लगाया गया है और 6 प्रमुख प्लेटों का पता लगाया गया है। प्लेटें पृथ्वी के ग्लोब पर गतिशील होती हैं, यानी जो स्थल खंड हैं वो इन्हीं प्लेटों के सहारे गतिशील रहते हैं, और इनके गतिशील होने की जो प्रक्रिया है, जो सिद्धांत है, उसे आयलर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी आयलर का सिद्धांत हमें यह बताता है कि ये जो प्लेटें हैं ये किस प्रकार से एक ध्रुव के चारों ओर घूमती है या फिर पृथ्वी के ग्लोब पर गतिशील रहती हैं। इस प्रक्रिया को आयलर के सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है। आयलर एक विद्वान थे जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पृथ्वी प्लेटों में गति के सिद्धांत को उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से प्लेटें गति करती है, इसलिए इसे आयलर के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं प्लेट सीमा और प्लेट किनारों के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि प्लेट किनारों के बारे में बताया गया है। दोस्तों प्लेट सीमा भी होती है, प्लेट सीमा और प्लेट किनारा, दो शब्दों के बारे में यहाँ हमें समझना है कि प्लेट सीमा किसे कहते हैं और प्लेट किनारा किसे कहते हैं। दोस्तों दोनों की परिभाषा मैं आपको समझाता हूँ। प्लेट जो किनारे हैं वो प्लेटों के सीमांत भाग कहे जाते हैं। सीमांत भाग से तात्पर्य है जहाँ पर प्लेट समाप्त होती है, या उस प्लेट की सीमा, जहाँ उस प्लेट के जो अंतिम हिस्सा है जहाँ पर वो प्लेट समाप्त होती है उसे प्लेट किनारे के नाम से जाना जाता है। दूसरा शब्द दोस्तों यहाँ पर था प्लेट सीमा। प्लेट सीमा से तात्पर्य है दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल, यानी दो प्लेटों के मध्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके सहारे वो दोनों प्लेटें आपस में गति करती हैं। ऐसा जो क्षेत्र होता है, जो संचलन मंडल होता है, उसे प्लेट सीमा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो शब्द महत्वपूर्ण हुए हैं, नंबर एक प्लेट सीमा और नंबर दो प्लेट किनारा। प्लेट सीमा से तात्पर्य क्या है दोस्तों? प्लेट सीमा से तात्पर्य है दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल, प्लेट सीमा कहलाता है, और प्लेट का सीमांत भाग प्लेट किनारे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वैसे तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, प्लेट सीमाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वो प्लेटों की गति में योगदान प्रदान करती है, उनके सहारे प्लेटें गति करती है, और प्लेट किनारे भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर प्लेट सीमा और प्लेट किनारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कितनी प्रकार के प्लेट सीमा और प्लेट किनारे होते हैं। कई पुस्तकों में दोनों को साथ दिया हुआ है, प्लेट सीमा और प्लेट किनारे के नाम से पुकारा गया है। तो दोस्तों तीन प्रकार के प्लेट सीमा और प्लेट किनारे होते हैं। नंबर एक है रचनात्मक प्लेट सीमा या प्लेट किनारा।
इसे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है दोस्तों विनाशात्मक प्लेट सीमा या प्लेट किनारा, और तीसरा होता है दोस्तों संरक्षी प्लेट सीमा या प्लेट किनारा। तीन प्रकार के प्लेट सीमा और प्लेट किनारे हो गए दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेट सीमा और प्लेट किनारों के प्रकार बताइए, तो तीन प्रकार हो गए, रचनात्मक प्लेट सीमा प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट सीमा प्लेट किनारा, और तीसरा संरक्षी प्लेट सीमा और प्लेट किनारा। दोस्तों सबसे पहले हम रचनात्मक प्लेट सीमा और प्लेट किनारों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि इन्हें रचनात्मक प्लेट सीमा या प्लेट किनारा क्यों कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों, चूँकि यह क्रिया जहाँ पर संपन्न होती है वहाँ पर दो प्लेटें परस्पर विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो जब दो प्लेटें आपस में विपरीत दिशा में गति करेंगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्थिति है ये प्लेटों के एक दूसरे से विपरीत गति करने की स्थिति है, तो स्थल भाग जब विपरीत दिशा में जाएगा तो वो टूटेगा। दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करेंगी तो क्या होगा, दोनों स्थलखंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और जब ऊपर से दबाव हटेगा तो नीचे जो चट्टान है वो पिघली अवस्था में आ जाती हैं, और पिघली अवस्था में आने के बाद वो लावा के रूप में सतह पर प्रकट होती हैं। जब ये लावा ठंडा होकर जम जाता है तो इससे नई क्रस्ट या भूपरपटी का निर्माण होता है, इसलिए ही इसे रचनात्मक प्लेट सीमा या प्लेट किनारा कहा जाता है। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आप, इसे अपसारी, अपसारी का मतलब एक दूसरे से दूर जाती है, संवर्धी, संवर्धी का मतलब बढ़ रही है, क्रस्ट बढ़ रहा है, और बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि मैग्मा जब लावा के रूप में बाहर आता है प्लेटों के एक दूसरे से विपरीत जाने के कारण, तो वो ऊपर आकर जम जाता है और नई क्रस्ट का निर्माण होता है। और इसका जो उदाहरण है वो दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं, और इनके नीचे से होकर के जो लावा है वो यहाँ पर बाहर आएगा और यहाँ पर आकर के जम जाएगा। दोस्तों रचनात्मक प्लेट किनारों के बाद जो दूसरा प्लेट किनारा और प्लेट सीमा आता है वो है विनाशात्मक प्लेट सीमा या प्लेट किनारा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने रचनात्मक प्लेट सीमा और प्लेट किनारे के बारे में पढ़ा कि रचनात्मक प्लेट सीमा और प्लेट किनारे पर नए क्रस्ट का निर्माण होता है, इसलिए इसे रचनात्मक प्लेट सीमा या प्लेट किनारा भी कहते हैं। दोस्तों दूसरा है विनाशात्मक प्लेट सीमा या प्लेट किनारा। अब सबसे पहले हमें समझते हैं कि विनाशात्मक क्यों कहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक प्लेट का किनारा नीचे की ओर चला जाता है और उसमें ह्रास होता है। दोस्तों उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट जब आपस में टकराएगी, तो चूँकि महासागरीय प्लेट भारी होती है, वो जो सीमा से अधिक बनी होती है, भारी पदार्थ से बनी होती है, सीमा वाला जो भाग है उसमें अधिक पाया जाता है, और महाद्वीपीय प्लेट में सियाल वाला भाग अधिक पाया जाता है, तो इस कारण से महासागरीय प्लेट भारी होगी और वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की ओर चली जाएगी, और जब वो अधिक गहराई पर जाएगी तो अधिक तापमान के कारण उसकी जो प्लेट का जो हिस्सा है वो पिघल करके नष्ट हो जाएगा, यानी उसका विनाश होगा। यहाँ पर नई प्लेट नहीं बन रही है, नई क्रस्ट नहीं बन रही, यहाँ पर जो प्लेट नीचे की ओर धस गई है या क्षेपित हो गई उसका विनाश हो रहा है, इसलिए इसे विनाशी प्लेट सीमा के नाम, विनाशी प्लेट सीमा या प्लेट किनारे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके सहारे दो प्लेटें आपस में आमने सामने की ओर आती हैं और उनका नीचे की ओर मेंटल वाले हिस्से में, क्रस्ट के बाद जो आता है मेंटल, वहाँ पर इनका क्षेपण हो जाता है, धस जाती है, और इस प्लेट का पदार्थ नीचे की ओर चला जाता है और प्लेट के किनारे में ह्रास होता है, और इसे अभिसारी प्लेट भी कहते हैं। अभिसारी का अर्थ होता है एक दूसरे की ओर आना। जो हमने पहली प्लेट पढ़ी थी वो थी रचनात्मक या अपसारी, दूर जाना और निर्माण होना, और ये है विनाशात्मक और अभिसारी, यानी एक दूसरे के नज़दीक आना और प्लेट का विनाश होना। दोस्तों तीसरा जो है वो हम देखते हैं एक बार। दोस्तों विनाशात्मक प्लेट किनारा और प्लेट सीमा को मानचित्र पर, इसके डायग्राम पर देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नंबर एक वाली प्लेट है ये नंबर दो वाली प्लेट के नीचे की ओर क्षेपित हो रही है, तो नंबर एक वाली प्लेट जब नंबर दो वाली प्लेट के नीचे क्षेपित होगी तो वो मेंटल की गहराई में चली जाएगी और वहाँ पर जाकर के पिघल करके नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट सीमा कहते हैं।
दोस्तों आशा है कि आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। तीसरा जो प्लेट सीमा प्लेट किनारा है वो है दोस्तों संरक्षी प्लेट सीमा और प्लेट किनारा। दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है, संरक्षी प्लेट सीमा और प्लेट किनारा। दोस्तों इसमें न तो विनाश होता है और न निर्माण होता है, इसे शीयर सीमा भी कहते हैं, इसी कारण से कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल खिसक जाती हैं, जिनके कारण रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है, यानी दो प्लेटें न तो एक दूसरे की ओर आती हैं न एक दूसरे से दूर जाती हैं, बल्कि अगल बगल एक दूसरे से खिसक जाती हैं, तो इनसे भ्रंश का निर्माण होता है। और इनके इन इस प्रक्रिया में प्लेट सीमा और प्लेट किनारों के सारे न तो निर्माण होगा और न ही विनाश होता है, स्थिति वैसे ही बनी होती है, यानी संरक्षण होता है, न तो विनाश होता है और न निर्माण होता है, जो स्थिति बनी हुई है उसी का संरक्षण होता रहता है। इसीलिए इसे संरक्षी प्लेट सीमा या प्लेट किनारे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम इस चीज़ को मानचित्र पर देखते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई गई है, देखिए रूपांतर भ्रंश का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जो प्लेट है ये एक दूसरे के अगल बगल में खिसक गई है, ये देखिए। तो यहाँ पर जो भ्रंश बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? रूपांतर भ्रंश का निर्माण हो रहा है। न तो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, न एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बल्कि एक दूसरे के अगल बगल खिसक गई है। इनसे इस कारण से सिर्फ यहाँ पर भ्रंश का निर्माण होगा। तो दोस्तों इस चित्र में आपको तीनों प्रकार की प्लेट सीमा और प्लेट किनारे बताई गई है। नंबर एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला जो प्लेट सीमा और प्लेट किनारा है यह है आपका रचनात्मक प्लेट सीमा प्लेट किनारा। दूसरा विनाशी प्लेट सीमा और प्लेट किनारा, यह भी विनाशी प्लेट सीमा और प्लेट किनारा है। और तीसरा यह देख रहे हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉल्ट, यह आपका संरक्षी प्लेट सीमा और प्लेट किनारा। ये नंबर एक आपका रचनात्मक प्लेट सीमा प्लेट किनारा, ये आपके नंबर दो विनाशात्मक प्लेट सीमा प्लेट किनारा, और ये आपके नंबर तीन संरक्षी प्लेट सीमा और प्लेट किनारा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये स्थलखंड होते हैं जिन्हें हम प्लेट के नाम से जानते हैं, एक दूसरे के सहारे गति करते हैं। रचनात्मक प्लेट सीमा और प्लेट किनारे में नए क्रस्ट का निर्माण होता है। चट्टाने जब ऊपरी दबाव हटने से पिघल जाती है तो मैग्मा ऊपर आता है और वो लवा के रूप में जम करके ठोस हो जाता है, नई सागरी क्रस्ट बनती है। इसलिए इसे रचनात्मक प्लेट सीमा या प्लेट किनारा कहते हैं। इसे अपसारी प्लेट सीमा या प्लेट किनारे के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी थी हमने दोस्तों पढ़ी थी विनाशात्मक प्लेट सीमा या प्लेट किनारा, इसे अभिसारी प्लेट सीमा या प्लेट किनारा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं और जो भारी प्लेट होती है हल्की प्लेट के नीचे की ओर चली जाती है, इसलिए इसे विनाशी प्लेट सीमा या प्लेट किनारा भी कहते हैं। जो तीसरी है उसमें जो प्लेटें हैं वो समानांतर रूप से गति करती हैं, अगल बगल खिसक जाती हैं, तो न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो दोस्तों पर इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ पर विनाशी और रचनात्मक प्लेट सीमा प्लेट किनारे हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में ये पूरा रचनात्मक प्लेट सीमा और प्लेट किनारा कहा जाता है। ये पैसिफिक और अमेरिकी प्लेट है, जहाँ पर हमें पैसिफिक प्लेट अमेरिकी प्लेट के नीचे की ओर क्षेपित होती है। तो ये जो प्लेट है ये प्लेट विनाशात्मक प्लेट सीमा या प्लेट किनारों के नाम से जान जाती है, क्योंकि पैसिफिक प्लेट अमेरिकी प्लेट के नीचे जा करके क्षेपित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जो अटलांटिक महासागर के मध्य वाला भाग है यहाँ पर नई सागरी क्रस्ट का निर्माण होता है। रूपांतरण भ्रंश के उदाहरण विश्व में अनेक स्थानों पर देखने को मिलते हैं, संरक्षित प्लेटों के उदाहरण अनेक स्थानों पर देखने को पाए जाते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा। और जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर ही विश्व की विवर्तनिक समस्याओं का हल निकाला गया है। अधिक प्रभावी तरीके से जो विवर्तनिक समस्याएं हैं, भूकंप का आना, ज्वालामुखी, महाद्वीप महासागरों का निर्माण, इन सभी तथ्यों को प्लेट विवर्तन सिद्धांत के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। धन्यवाद।